काफ़ी सारे अदर कैरेक्टर एक्टर्स हैं, वीरेंद्र सक्सेना और भी काफ़ी सारे एक्टर्स हैं, तो मुझे सबके रोल अच्छे लगे. लेकिन आई थिंक टाइगर श्रॉफ, आई थिंक ही हैज कार्व्ड अ निश फॉर हिमसेल्फ विद दिस मूवी. अच्छी मूवी है, एक्शन से फुल मूवी है, बढ़िया मूवी. एंड टाइगर का, टाइगर श्रॉफ का, टाइगर श्रॉफ तो एकदम अच्छी थी. और टाइगर बहुत अच्छी लगी, इस टाइम अलग था थोड़ा. मैं वेट कर रहा था कभी मेरा बोर्ड खत्म होगा और कब मैं बागी 3 देखूं मूवी, और बहुत एक्साइटेड था कि कभी देखूं. मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं टाइगर के. यस, एक्शन कितनी पसंद आई उनकी? मुझे सबसे अच्छा उसका एक्शन लगा, कि उसके पीछे उसका मेहनत कितना लगा, और उसने बहुत स्ट्रगल भी उसका मेहनत के ऊपर किया. उसने डांस सिक्वेंस मुझे बहुत अच्छा लगा उसका. स्टोरी रिलेशनशिप में अच्छी थी, और लास्ट में थोड़ा डाउन हुआ, थोड़ा स्लो हुआ, बाकी सब में मुझे अच्छी लगी टाइगर श्रॉफ की, और रिलेशनशिप रितेश देशमुख की उसके पापा की. अच्छी मूवी है, स्टंट है, एक्शन मूवी है. टाइगर श्रॉफ एक्सेलेंट है. टाइगर श्रॉफ की एक्शन कितनी अच्छी लगी है? बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन. कहा जाए कि टाइगर श्रॉफ अभी किंग हो चुके हैं एक्शन मूवीज के. हाँ लगता है ये पिक्चर देख के. दो स्टोरी दो भाई की है, अच्छी है, अटैचमेंट है दोनों भाई में, एक को लगता है तो दूसरा चला जाता है. स्टोरी वाइज तो नॉर्मल है, एक्शन वाइज बेटर है. टाइगर की एक्शन कितनी पसंद आई? जैसे आप बोल रहे हैं एक्शन वाइज काफ़ी अच्छी है. हाँ हाँ हाँ, एक्शन लेवल बढ़ा है, पहले वाले से लेवल बढ़ा है. बहुत सारे सीन्स थे जो पहले वाले में नहीं थे, अभी इम्प्रूव हुए. ओके, कहा जा सकता है कि टाइगर किंग ऑफ एक्शन हो चुके हैं? डेफिनेटली है. गाने कितने पसंद आए? काफ़ी गाने रिक्रिएट हुए हैं इसके अंदर. हाँ गाने सारे अच्छे लगे, रिक्रिएट होता है तो खराब लगता है, बट यहाँ पे रिक्रिएशन ठीक था, मज़ा आया देख सुनने में. हाँ पहले 10 मिनट में ही मुझे लगा कि फालतू पिक्चर है, कुछ पिक्चर में जान नहीं है, स्टोरी एकदम कुछ बकवास पिक्चर. तो स्टोरी जैसे गोपी किशन थी ना, सुनील शेट्टी की, एक भाई मारता है दूसरा नाम लेता है, वैसे बनाई गोपी छोटे भाई, नहीं कुछ भी नहीं सेंस. बहुत अच्छी थी, पूरा पैसा वसूल है. और एक्शन बहुत ही जबरदस्त दिया है मूवी में, और गाने भी तो बहुत अच्छे दिए. जो लास्ट एंडिंग सॉन्ग था और जो स्टार्टिंग में एक आंख मारू, बहुत अच्छा लगा. ओके, टाइगर की एक्शन कितनी अच्छी लगी? टाइगर की एक्शन 100 out of 100, उनके साथ ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी अच्छी है. सो मैं कुछ बोल नहीं सकता, प्लीज लव यू टाइगर भाई, बस बस. ओके, टाइगर की एक्शन कितनी है? पूरा एक्शन बेस्ड मूवी है ये. अगर टाइगर है मूवी में तो एक्शन तो पूछो मत, स्टोरी से ज़्यादा एक्शन उनका होता ही होता है. बहुत अच्छा सॉलिड था उनका एक्शन के लिए, बहुत अच्छा लगा. और रितेश देशमुख का काम बहुत बढ़िया लगा, और श्रद्धा का जो कॉमेडी थोड़ा बहुत है वो बहुत मज़ा आया, हंसी बहुत आया. और सेकंड हाफ में जो इतना बड़ा सीन बनाया, पैसे तो बहुत खर्चे होंगे, लेकिन पैसे मतलब वसूल नहीं हुआ ना डायरेक्टर को, मतलब ना हमको. मतलब 1 और 2 जो बागी बने थे टाइगर श्रॉफ, वो प्यार के लिए बने थे. इस बार एक वादे के लिए बनते हैं, अपने भाई दोनों भाइयों में जो प्यार है उसके लिए बनते हैं. वो एक वादा को निभाने के लिए सरहदें पार कर जाते हैं, वो इसलिए वो बागी बने हैं. बहुत टची है. टाइगर के एक्शन काफ़ी हैं इसके अंदर, कितने पसंद आए आपको? पूरा का पूरा एक्शन थ्रिलर ही मूवी है. उसमें ये कहते हैं वो हाथ पैर से ज़्यादा बात करते हैं, मुँह से कम, वैसे ही है. तो सारे हदें पार करते, सरहदें पार करने के साथ साथ ये एक्शन की जितने भी हदें थे सारे पार कर दिए. इनके बहुत अच्छा मतलब टाइगर एक्शन के किंग बनते जा रहे हैं आफ्टर ऋतिक रोशन इज द एक्शन.